उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी रहते हैं और कांग्रेस के शहजादे के काफी करीब हैं, वो बोटी बोटी करने की बात करते हैं और हम बेटी बेटी को सम्मान दिलाने की बात करते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण के अंदर ना विकास की बात होती है, ना नौजवान के रोजगार की बात होती है, ना किसान की बात होती है। प्रधानमंत्री जी केवल इधर उधर की बातों के अंदर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि प्रधानमंत्री को कम से कम इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन मसूद साहब, जो आपने कभी कहा था उसी को वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। कब तक याद करते रहेंगे, कब तक याद करते रहेंगे? इन चीज़ों से आगे भी बहुत कुछ है। किसान है, नौजवान है, देश का व्यापारी है, लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानी की समस्याओं के ऊपर बात करें, मोदी जी बेकार की बात कर रहे हैं, ये बौखलाहट है। यहाँ सहारनपुर में चूंकि हिंदू मतदाता बहुत भारी तादाद में मेरे साथ जुड़ने का काम कर रहा है, उसको प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है। यहां तो बोटी बोटी करने वाले साहब भी हैं, और कांग्रेस के साहबजादा के बड़े चहेते हैं। उन पर उनका जरा बड़ा ज्यादा ही प्यार आता है। याद रखिएगा, वो बोटी बोटी की धमकी देने वाले लोग हैं और हम बेटी बेटी को सुरक्षा और सम्मान देने वाले लोग। स्कूल में अलग शौचालय, घर घर में इज्जत घर, या ये बेटी का सम्मान है। घर में मुफ्त गैस कनेक्शन, महिलाओं के नाम पर अपना पक्का घर, ये बेटी का सम्मान है। बेटियों पर अत्याचार करने वाले को फांसी के फंदे से लटकाने की व्यवस्था भी बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया हमारा कदम है।